Hi, I'm Dr. M.L. Ali, Clinical Director and Senior Consultant Physician, Bramhananda Narayana Multispeciality Hospital, Jamshedpur. With me is Dr. Vivek Sharma, who is Consultant Gastroenterologist, Bramhananda Narayana Multispeciality Hospital, Jamshedpur. Thank you, sir. So, today, we are going to discuss about World Hepatitis Day. Dr. Vivek, what is this World Hepatitis Day? Why it is celebrated or observed? See, so the World Hepatitis Day is celebrated every year on 28th of July. Har saal 28 July ko World Hepatitis Day manaya jata hai. Aur iska purpose hai to create awareness, logo mein hepatitis ke baare mein jagrukta paida karna. Okay. To world mein overall around 325 million patients hain jinko ki hepatitis hai. इसमें 290 मिलियन पेशेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है इनके बारे में. दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. सो यू कैन सी देयर इज सच अ वास्ट गैप बिटवीन द डिजीज एंड द अवेयरनेस अबाउट इट. एंड इट्स क्वाइट अ सीरियस डिजीज. दिन में अराउंड 4000 जाने जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस. सो दिस ईयर द थीम ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज टू फाइंड द मिसिंग मिलियंस. मतलब कि we have to find the missing cases that are going undiagnosed. जो detect नहीं हो पाए. जी, to find them and to link them to cure. Otherwise, millions will continue to suffer and lives will be lost. And our aim is to eliminate hepatitis from the world by the year 2030. Okay, but जो hepatitis है, कई there are many types of hepatitis. जी, isn't it? तो इसमें एक जो मेजर जो होता है वो वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस काजेस. उसमें बहुत दवाई से भी हेपेटाइटिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट काजेस ऑफ होता है. लेकिन ये जो हेपेटाइटिस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या अवेयरनेस के लिए करते हैं, ये डिजीज मोस्टली फॉर द वायरल हेपेटाइटिस. ये जो वायरल हेपेटाइटिस किस वायरल हेपेटाइटिस भी बहुत तरह के मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस व्हिच काजेस हेपेटाइटिस. इसमें आप कुछ बताएंगे आप? सी, आज हम लोग बेसिकली हेपेटाइटिस जो कि वायरल बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दे कैन बी मेनी कॉजेज. हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सब वायरल हेपेटाइटिस के कॉज होते हैं. पर आज मेजर डिस्कशन हमारा सिर्फ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. क्यों ये हम ए एंड ई के ऊपर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं? कॉन्सेंट्रेट तो करते हैं हम सब में, पर ए एंड ई ये सब जनरली अक्यूट हेपेटाइटिस के कॉज होते हैं. ये सब जनरली सेल्फ लिमिटिंग बीमारियाँ या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इसमें. पर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी इफ अनट्रीटेड कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड फॉर दिस ट्रीटमेंट इज नीडेड. सो हेपेटाइटिस जैसे मैंने आपको बताया इज अ वायरल बॉर्न डिजीज. हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज हेपेटाइटिस बी वायरस. ये एक डीएनए वायरस होता है. और हेपेटाइटिस सी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस. ये एक आरएनए वायरस होता है. एंड ट्रांसमिशन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कुछ. हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन, इट अकर्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. मे बी बाई स्क्रीनिंग ऑफ अनस्क्रीन्ड ब्लड, जो कि आज के देश में रेयरिटी है क्योंकि हम लोग ड्रग चढ़ाने से पहले हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन करते हैं. एंड देर आर अदर कॉजेज लाइक नीडल स्टिक इंजरी. आईवी ड्रग अब्यूजर्स में जो कि आईवी इंजेक्शंस का ड्रग्स का सेवन करते हैं उनमें हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होती हैं. टैटूइंग कराने से, पियर्सिंग कराने से अगर नीडल इन्फेक्टेड है तो हेपेटाइटिस हो सकता है. और दूसरा और एक कारण है, माँ को अगर हेपेटाइटिस है तो माँ से बच्चों में आने की काफ़ी हाई रिस्क होती है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी. एंड देर आर सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप्स सच एज अस हेल्थ केयर वर्कर्स. हम लोग इतने इन्फेक्शन से हमेशा घिरे रहते हैं तो देर आर चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस इज वेरी हाई अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स. सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया, चिल्ड्रेन बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर दे हैव हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेपेटाइटिस. बट लकीली देर इज ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन अवेलेबल टू प्रिवेंट दैट. एंड आईवी ड्रग अब्यूजर जैसे मैंने आपको बताया उसमें हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होती हैं. देन क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट जिनको कि फ्रीक्वेंट डायलिसिस की ज़रूरत होती है उनमें हेपेटाइटिस हो सकता है. हीमोफीलिया जो कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट होती है जिनमें, उनमें भी हेपेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं.
और होमोसेक्सुअल्स में, क्योंकि हेपेटाइटिस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स की वजह से भी होता है, स्पेशली होमोसेक्सुअल्स में भी ये होने की रिस्क ज़्यादा होती हैं। ये नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी ट्रांसमिशन हो सकता है अगर कोई पार्टनर इन्फेक्टेड है? इन्फेक्टेड पार्टनर है तो, और अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी है तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज हाई। बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि इट्स हाईली अनलाइकली दैट हेपेटाइटिस गेट्स ट्रांसमिटेड बाय मेयर टचिंग और शेयरिंग ऑफ कटलरीज और बाय किसिंग, सो पेशेंट नीड नॉट बी आइसोलेटेड। ओके, मॉस्किटो बाइट से भी नहीं ट्रांसमिशन होता है? ये जो हेपेटाइटिस बी और सी, ये जो आप बोले ये तो ज़्यादातर क्रॉनिसिटी में ही जाता है जी, और बट 13 केसेस में हेपेटाइटिस बी एक बार अटैक होकर नॉर्मल भी हो सकता है। हाँ, हेपेटाइटिस देखिए जैसे मैंने आपको बताया क्रॉनिसिटी इज क्वाइट कॉमन, बट दैट इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी। सी में सो इन्फेक्शन अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है जी। तो हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं कि और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो डायग्नोसिस में वी कैन सी कि हेपेटाइटिस बी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBSAg। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर आपके डॉक्टर और ब्लड टेस्ट करेंगे जानने के लिए कि अक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ये नया इन्फेक्शन है या पुराना इन्फेक्शन है, और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड और पेशेंट नीड्स टू बी केप्ट ऑन फॉलो अप। Certain tests such as HBV DNA, HBE antigen, or along with routine blood tests such as CBC, liver function test, पेट का अल्ट्रासाउंड, और क्योंकि किसी किसी केसेस में हेपेटाइटिस इफ इट इज अनट्रीटेड इट कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस, इट कैन प्रोग्रेस टू लिवर कैंसर, तो स्क्रीनिंग फॉर दैट विथ अल्फा फीटोप्रोटीन एक्सेट्रा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये सब की ज़रूरत होती है। और हेपेटाइटिस सी का बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है HCV एंटीबॉडी, एंटी HCV, ये इन्फेक्शन के 6 से 9 हफ्ते के बाद में ब्लड में पॉजिटिव आता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो पेशेंट को हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है या उसे पहले इन्फेक्शन हुआ था जो कि क्योर हो चुका है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हेपेटाइटिस सी का होता है HCV RNA करना, एंड बेस्ड ऑन दिस द ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड। तो हम लोग ज़्यादातर एक HIV जिसको होता है उसमें ज़्यादा खौफ ज़्यादा रहते हैं लोग कि ये HIV हो जाएगा ये, और ट्रांसमिशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद हेपेटाइटिस बी इज़ मोर इन्फेक्शियस देन HIV। यस, ये अवेयरनेस लोगों में काफ़ी कम है, कम है और ये लाना चाहिए। यही पर्पज़ है हमारा, क्रिएट अवेयरनेस, और स्पेशली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है और हेपेटाइटिस बी में भी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली क्योर नहीं करता है हेपेटाइटिस बी को, पर विथ ट्रीटमेंट इट कैन, द डिजीज कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल एंड लिवर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। लेकिन हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के लिए। इसमें जनरली 3 डोजेस दी जाती हैं, पहले दिन में दी जाती है, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद, और इससे जनरली इम्यूनिटी मिलती है पेशेंट्स को। हेपेटाइटिस सी का कुछ वैक्सीनेशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस सी के। तो इस हेपेटाइटिस लोगों में जागरूकता कराने के लिए ये जो हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, सही में एक जानलेवा बीमारी भी हो सकता है सी और हेपेटाइटिस जी, जानलेवा बीमारी हो सकती है। फाइनली ये लीवर को डैमेज करके सिरोसिस में अगर अनट्रीटेड देन इट कैन कॉज सिरोसिस और आगे चल के कैंसर, मैलिग्नेंसी, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी बन सकता है। तो और कुछ बोलना चाहिए आपको कुछ बीमारी का इलाज के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। तो अक्यूट के लिए जनरली एक सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। पहले 6 महीने के लिए लगभग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाते हैं। एंटीवायरल्स वो इज गिवन ओनली इन केस ऑफ सीरियस इन्फेक्शन और अगर बहुत ज़्यादा लिवर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो। 9 में से 10 मरीज ये वायरस को अक्यूट फेज में खुद से बॉडी से क्लियर कर देते हैं। बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी अगर है पेशेंट को तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है।
पहले हम पेगेलेटेड इंटरफेरॉन्स दिया करते थे और उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और सिरोसिस अगर है पेशेंट को तो उस केस में ये दिया नहीं जा सकता है। पर अभी ओरली अवेलेबल एंटीवायरल्स हैं हमारे पास, जिसे हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स बोलते हैं। ये टैबलेट्स होती हैं जो कि दिन में एक बार लेनी होती हैं, पर ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है पेशेंट्स को। ये आप हेपेटाइटिस बी के बारे में, बी ए में अभी हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ये एंटीवायरल लेना पड़ता है पेशेंट को, और चांसेस ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस इज देयर विद दिस मेडिकेशन। सो पेशेंट्स को वी हैव टू कीप अंडर कॉन्स्टेंट फॉलो विद HBV DNA लेवल्स, वायरल लोड्स एंड फर्दर टेस्टिंग। सो जैसे मैंने बताया आपको कि कंप्लीट क्योर नहीं है हेपेटाइटिस बी के लिए, पर विद ट्रीटमेंट वी कैन टर्न द सीरियस इन्फेक्शन इनटू अ माइल्डर वन एंड प्रिवेंट फर्दर लिवर डैमेज। नाउ कमिंग टू हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी इज नोन फॉर क्रॉनिसिटी, इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होना सबसे ज़्यादा कॉमन है, पर लकीली इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है हमारे पास। पेशेंट को हम DAAs डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स देते हैं। ये एक टैबलेट होती है जो कि 12 से 24 हफ्ते, किसी किसी केसेस में हमको लंबा 24 हफ्ते तक देना पड़ता है, अदरवाइज 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट का एम होता है टू अटेन सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब कि ट्रीटमेंट के खत्म होने पर ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। जनरली ये टेस्ट हम 12 हफ्ते बाद करते हैं ट्रीटमेंट खत्म होने के, तो इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट संभव है। पर एक ही ड्रॉबैक है हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अपार्ट फ्रॉम दैट इज नो अदर। खैर पहले थे कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं था, अभी लेकिन काफी सारे ट्रीटमेंट, अभी काफी सारे ट्रीटमेंट, दोज़ हू कैन अफोर्ड देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर देम, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर देम। हेपेटाइटिस सी इज कंप्लीटली क्योरेबल फॉर टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो कॉस्ट भी है कम होते जाएगा फ्यूचर में, पहले के मुकाबले अभी कम हो गया, अभी और मे भी कुछ आने वाले सालों में और भी और कम होगा। और प्रिवेंशन के बारे में तो जैसे आपने बताया ही है, वैक्सीन अवेलेबल हैं बी के लिए, पर सी के लिए अभी हैं नहीं। और मैंने जैसे आपको बताया ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, करना चाहिए हमें हेपेटाइटिस बी को और सी को भी, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये आगे जाके लिवर ख़राब कर सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, सिरोसिस के वजह से सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टियाँ होना, ये सब हो सकता है मरीज़ को, और किसी किसी केसेस में लिवर कैंसर, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में भी तब्दील हो सकता है। सो दुनिया में टू आउट ऑफ थ्री केसेस ऑफ लिवर कैंसर एंड लिवर कैंसर डेथ इज बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस, एंड अराउंड 1.32 मिलियन डेथ्स अकर ग्लोबली एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस। ये हमारे मुल्क में ज़्यादा है कंपैरेटिव टू अदर कंट्री, नहीं ये फॉरेस्ट में ज़्यादा है जी, वी कैन से अभी ग्लोबल बर्डन है सर ये डिजीज का, तो ऑल ओवर एक्सपैंडिंग। और एक ऐसा है कि लोग आते हैं अपना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg एंटीजन करा के और वो पॉजिटिव आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए। आप ये बताइए ये जो सिर्फ हेपेटाइटिस एंटीजन पॉजिटिव है तो सबको ट्रीटमेंट करना चाहिए या किस किस को और फर्दर टेस्ट करा के उसका क्वांटिटेटिव वायरल लोड करा के ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कितना लोड हो तो फिर ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, ये जरा देखिए। ये जैसे पहले भी हमने बताया है कि ये HBsAg जो है ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हेपेटाइटिस के लिए। ये पॉजिटिव है इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है, तो ये तो या तो अक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है अक्यूट इन्फेक्शन जनरली खुद ब खुद सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है, पर अगर ये क्रॉनिक में तब्दील हो गया है तो HBsAg पॉजिटिव है तो हमें और ब्लड टेस्ट करने होते हैं, HBV DNA किया जाता है, वायरल लोड्स किया जाता है, HBe एंटीजन टेस्ट किया जाता है, anti-HB एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं हम, और IgM anti-HBc टेस्ट किया जाता है कि ये अक्यूट है, क्रॉनिक है, न्यू है, ओल्ड है, ये सब टेस्ट करने के बाद, सब रिपोर्ट्स देखने के बाद ही इसका इलाज किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सब पेशेंट्स का हम इलाज करते हैं जिनमें बहुत हाई वायरल लोड है, जिसमें ये सब एंटीजन पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटिव क्राइटेरियाज होते हैं इसके ट्रीटमेंट करने के, तो अगर पेशेंट वो क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो ही इलाज किया जाता है, अदरवाइज पेशेंट को हम फॉलोअप में रखते हैं हर 6 महीने में
लिवर की जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लिवर कैंसर स्क्रीनिंग का टेस्ट किया जाता है और वायरल लोड्स हम हर 6 महीने में रिपीट करते हैं। अगर ये बढ़ने लगता है, कुछ एक जो स्पेसिफिक कट ऑफ लेवल है वो क्रॉस करता है, तो ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पर हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव आया है, एंटी एचसीवी पॉजिटिव आया है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट एचसीवी आरएनए करते हैं हम क्वांटिटेटिव लेवल्स वायरल लोड जानने के लिए और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैमिली में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी एचसीवी पॉजिटिव आया या हेपेटाइटिस एचसीवी एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो पूरे फैमिली को स्क्रीन करना चाहिए? जी जी, फैमिली स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि ये ट्रांसमिट होता है, तो उसकी वजह से पूरी फैमिली को हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन करना चाहिए विद एचबीएस एजी एंटी एचसीवी। और अगर पॉजिटिव है तो फिर जैसे हमने बताया या तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर नेगेटिव है और इम्यूनाइजेशन नहीं लिया गया है हेपेटाइटिस बी के लिए, तो हम एडवाइस करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन लें, जिससे कि प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। ये बी एंड सी जो भी ट्रांसमिशन है ये थ्रू ब्लड से कॉन्टैक्ट से आने में, जैसे ओरल का कोई ट्रांसमिशन है, बताया कि काफी रेयर है, जैसे मैंने कहा छूने से नहीं फैलता है ये, आप साथ बैठ के खाना खाओ तो नहीं फैलेगा, आप किस करने से नहीं फैलता है ये, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो चांसेस होती हैं, खून से कॉन्टैक्ट में अगर आता है, इन्फेक्टेड ब्लड से कॉन्टैक्ट में आता है तो चांसेस होती हैं, बट सिर्फ टच करने से और साथ बैठने उठने से ये बीमारी नहीं फैलती। डॉक्टर विवेक, ये बताइए अगर प्रेग्नेंट मदर हेपेटाइटिस बी है ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए या फिर मदर के लिए क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस का, स्पेशली हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी थोड़ा कम है पर हेपेटाइटिस बी का काफ़ी कॉमन होता है। तो इसके लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे को इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड, ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। आई थिंक ये हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन, ये नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आ चुका है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा चुका है, और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस बी। थैंक यू डॉक्टर विवेक, आपने पूर डिटेल्स में हर चीज़ बताया और जानकारी दी, और एक आप प्रेजेंट हालात में जो हम लोग का जो लोड है हेपेटाइटिस बी का लोड इस मुल्क में, हेपेटाइटिस सी का, इसलिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को या मेडिकल कम्युनिटी को? देखिए, मैं उनको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी को इग्नोर ना करें, ये एक सीरियस बीमारी है, तो गेट योरसेल्फ टेस्टेड टुडे, अगर पॉजिटिव आता है देन सी अ नियरेस्ट डॉक्टर, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है जिससे कि हम ये इन्फेक्शन को सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट होने में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हैं। इम्यूनाइजेशंस अवेलेबल हैं, तो आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी से इम्यूनाइज कराएं। और हेपेटाइटिस सी का तो जैसे हमने पहले ही कहा है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आता है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उसके दवाइयों से वो जड़ से ठीक हो सकता है। तो एक ही मैसेज है, टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ओके, थैंक यू डॉक्टर विवेक, थैंक यू सो मच।